आपका वीडियो बहुत खास होने वाला है, जैसे कि आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं कि हाउ टू लाइव द वेबसाइट। तो आज के वीडियो में हम आपको यही सिखाने वाले हैं कि वेबसाइट को कैसे लाइव करें, वो भी फ्री में विदाउट एडिटिंग। सो फॉर बिगिनर पीपल्स, जिनको सीखना है, जिनको जानने की ख्वाहिश है कि वेबसाइट कैसे लाइव होती है, वेबसाइट के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इस तरह से उसको हम लाइव करते हैं, डोमेन का नाम कैसे खरीदते हैं, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत खास होता है। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने कंप्यूटर पे और देखते हैं कि वेबसाइट फ्री में कैसे लाइव करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपका प्यार मिला तो हम जल्द ही आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आएंगे, जिसमें हम आपको पेड होस्टिंग बहुत मिनिमम चार्जेस पे करके दिखाएंगे। बहुत मिनिमम, लाइक अंडर 500 में आप वेबसाइट पर लाइव कर सकते हैं, वो भी प्रीमियम वेबसाइट। तो उसके लिए अगर आप लोगों को कमेंट और लाइक हमें मिलेंगे तो हम इस वीडियो को भी जल्द से जल्द देकर आएंगे। चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, जैसा कि हम अभी आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, तो एक वेबसाइट को फ्री में लाइव करने के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहला हमारा डोमेन नेम, जिसको हम वेबसाइट का नाम बोलते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ google.com, तो दोस्तों अगर जैसे हम google.com टाइप करते हैं तो google.com जो है ये एक नाम है जो गूगल कंपनी ने ख़रीदा हुआ है। तो ये वेबसाइट google.com, यही हमारा डोमेन कहलाता है। और दूसरा पार्ट जो हमें रिक्वायर्ड होगा वो होता है होस्टिंग। होस्टिंग मतलब जो भी ये गूगल, जैसे ये google.com वेबसाइट आपके साथ खुली हुई है सामने, इसमें जो रिक्वायर्ड फाइलें होती हैं उसको इंटरनेट पे जहाँ पे स्टोर किया जाता है वो स्पेस हमें ख़रीदना होता है, उसको हम होस्टिंग स्पेस बोलते हैं। तो यूजुअली वो स्पेस हमें पेड मिलता है, बट यहाँ पर हम फ्री में कैसे उसको ख़रीदें एज एजुकेशन पर्पज, कैसे हम एक ट्रायल के तौर पे कैसे चेक करके हम देखें कि वेबसाइट कैसे रन होती है, उसके लिए हम यहाँ पे आपको ट्यूटोरियल बनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, दूसरा जो पॉइंट है हमें रिक्वायर्ड होगा होस्टिंग, और तीसरी जो रिक्वायरमेंट है वो होगी हमारी वेबसाइट। तो हमारे पास जो है दोस्तों, जैसे कि डेस्कटॉप पे आप देख रहे हैं ये फोल्डर है मेरा, इसके अंदर कुछ फाइलें हैं जो कि HTML फाइल है। तो मेरे पास ये वेबसाइट है जो HTML में डिज़ाइन है। दोस्तों, HTML क्या होता है, PHP क्या होता है, वर्डप्रेस क्या होता है, ये सब लैंग्वेजेस हम आपको अपने अगले वीडियोज़ में बताएँगे। तो फिलहाल ये एक वेबसाइट है जिसकी फ़ाइल मेरे कंप्यूटर में ऑफलाइन रखी हुई है। ये फ़ाइल हमें होस्टिंग में अपलोड करनी है, उसके बाद हमारी वेबसाइट रन हो पाएगी। तो दोस्तों, जैसे मैंने उस फाइल पे क्लिक किया तो दोस्तों इस तरह से वेबसाइट मेरी ओपन हो जाती है। अभी ये लोकल कंप्यूटर पे है, आप देख सकते हैं ये एड्रेस। अभी इसमें जैसे आपको दिख रहा होगा file/c/user करके आ रहा है, ये लोकल हमारी सी ड्राइव में स्टोर है ये फाइल, इसलिए यहाँ पे सी ड्राइव का पाथ यहाँ पे दिखा रहा है। जब ये वेबसाइट लाइव हो जाएगी, यहाँ पे एक नाम होगा वेबसाइट का, जो डोमेन हम जिस नाम से ख़रीदेंगे फ्री में उसी नाम से यहाँ पे नाम डिस्प्ले होगा वेबसाइट का। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक डोमेन ख़रीदेंगे। तो फ्री डोमेन ख़रीदने के लिए आपको जाना है इस वेबसाइट पर। फ्री डोमेन के लिए आपको जाना है इस वेबसाइट पर, जिसका नाम आप देख पा रहे हैं freenom.com। दोस्तों, जैसे आप इस वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको देख सकते हैं इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आप फाइंड ए न्यू फ्री डोमेन में अपना कोई भी डोमेन, जैसे कि मैं भी अपने चैनल से रिलेटेड ही एक वेबसाइट डिज़ाइन करके आपको दिखाऊंगा, apnatechguru.tk। दोस्तों, ये जो हमें फ्री डोमेन मिलते हैं .tk, .gq इस तरह के मिलते हैं। .com, .in वाले डोमेन पेड होते हैं तो वो फ्री में नहीं मिलते हैं। तो हमको अपना apnatechguru.tk ये डोमेन यहाँ पे एंटर करने के बाद हम चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करेंगे। जी दोस्तों, चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं योर apnatechguru.tk इज़ अवेलेबल, यहाँ पे हमें दिखा रहा है। तो दोस्तों, हमें क्लिक करना है सिलेक्ट, हमें जाना है चेकआउट पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों कोस्ट 0 है, USD 0, यानी हमें कोई पैसा इसके लिए नहीं देना है। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पीरियड भी पूछ रहा है, तो 1 ईयर तक के लिए फ्री होता है। उसके बाद अगर आपको ज़्यादा सालों के लिए चाहिए तो चार्जेबल है। तो हम इसको 1 ईयर तक के लिए फ्री पीरियड सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका जो कार्ट में जो भी चीज़ें थी वो यहाँ पे एक बार आपको रिव्यू और चेकआउट के ऑप्शन आएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कोई चार्जेस नहीं है। डोमेन रजिस्ट्रेशन, ये हमारी वेबसाइट का नाम होगा अपना टेक गुरु .tt। तो दोस्तों आप आइदर अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करके प्रोसेस कर सकते हैं या आप अपने किसी सोशल मीडिया लाइक गूगल से, मैं यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ अपने गूगल अकाउंट से। दोस्तों मैंने अपना गूगल अकाउंट चुन लिया है। ये हमें अलाउ करने के लिए परमिशन मांगेगा। दोस्तों देखिए हमको यहाँ पे अलाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अलाउ पर क्लिक करते हैं सक्सेसफुली हमारा साइन इन हो जाता है। उसके बाद हमारा जो ऑर्डर है वो कंफर्म हो जाएगा। तो दोस्तों हमें यहाँ पे फिर एक ऑर्डर कंफर्मेशन मिल जाता है इस तरह से, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ऑर्डर कंफर्मेशन नंबर है। तो अभी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू गो टू योर क्लाइंट एरिया। तो यहाँ पे जाके हम अपने डोमेन का डिटेल चेक कर पाएंगे, डोमेन से रिलेटेड सारी चीज़ें होंगी। तो दोस्तों ये हमारा इंटरफेस खुल गया है, आप देख सकते हैं। सर्विसेज में जाएंगे और यहाँ पे माय डोमेन में आपको क्लिक करना है। तो आपने जो डोमेन रजिस्टर किया था अभी आप देख सकते हैं दोस्तों, डोमेन नेम अपना टेक गुरु .tk, इसका रजिस्ट्रेशन डेट आ गया है 17 अप्रैल, एक्सपायर होगा ये 17 फेब 2021 को, और स्टेटस में आप देख सकते हैं एक्टिव है अभी। और देखिए टाइप्स फ्री आ रहा है। तो दोस्तों मैनेज डोमेन के थ्रू हम इसको होस्टिंग पे कैसे पॉइंट करेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं होस्टिंग को कैसे बुक करेंगे। तो अभी दोस्तों हमारा जो डोमेन है, जो वेबसाइट का नाम है अपना टेक गुरु .tk, ये बुक हो चुका है फ्री में। दोस्तों अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ, सेकंड स्टेप, जहां पर हम अपनी होस्टिंग को भी इसी तरह फ्री में बुक करेंगे। तो चलिए चलते हैं titanichost.net पे। तो दोस्तों ये वेबसाइट है जो हमें अपनी फाइलों को इंटरनेट पर रखने के लिए फ्री में स्पेस प्रोवाइड करेगी, यानी होस्टिंग देगी। तो titanichost.net पे हम जैसे ही जाते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं फ्री होस्टिंग। दोस्तों जैसे ही आप फ्री होस्टिंग पे क्लिक करते हैं तो इससे रिलेटेड सारी डिटेल आ जाएंगी, क्या क्या हमें इंक्लूड होगा प्लान में। तो दोस्तों फ्री होस्टिंग के प्लान में आप देख सकते हैं हमें सारी चीज़ें मिलेंगी। 300 MB स्पेस मिलेगा, बैंडविड्थ आपको 1000 MB मिलेगा, 2 डोमेन, आप सब डोमेन भी यूज कर सकते हैं आपको। साथ ही साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आपको फ्री ईमेल अकाउंट भी मिल जाएंगे दो। चलिए अभी हमें यहाँ फ्री सर्विस लेने के लिए फ्री सर्विस इन फुल यहाँ पे क्लिक करना होगा। दोस्तों जैसे ही हम इस प्लान को चूज करते हैं, फ्री प्लान, दोस्तों आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। दोस्तों आपको सबसे नीचे आना है, ऊपर आपके पेड प्लान है। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आप देख पाएंगे यहाँ पे टाइटेनिक फ्री होस्टिंग प्लान $0। सो ऑर्डर नाउ पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही ऑर्डर नाउ पे क्लिक करते हैं तो इसमें 3 ऑप्शन आप देख सकते हैं, रजिस्टर ए न्यू डोमेन, ट्रांसफ़र योर डोमेन फ्रॉम अनदर रजिस्ट्रार, थर्ड ऑप्शन आई विल यूज़ माय एग्जिस्टिंग डोमेन। तो दोस्तों हमें थर्ड ऑप्शन पे जाना है क्योंकि हमने डोमेन पहले से ही बुक कर लिया है जिसका नाम है अपना टेक गुरु .tk। यूज पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यूज पे क्लिक करते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 वैल्यू आ जाता है। आपको चेकआउट पे क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे ही आप चेकआउट पे क्लिक करते हैं तो ये आपसे फिर से लॉगिन के लिए बोलेगा, आपको रजिस्टर करना होगा। जैसा कि हमने अपना वेबसाइट का जो नाम ख़रीदा था फ्रीडम पे, उसी तरह से हमें यहाँ पे अपनी डिटेल फिलअप करनी है। दोस्तों जैसे ही आप डिटेल फिल करते हैं आपको ये पेमेंट के लिए पूछेगा, आपको पेपाल सेलेक्ट कर देना है और कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक करना है। जैसे कंप्लीट ऑर्डर पे आप क्लिक करते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं कंफर्मेशन आपको मिल गया है, ऑर्डर कंफर्मेशन विद द कंफर्मेशन नंबर। ये आपका कंफर्मेशन नंबर है दोस्तों। चलिए दोस्तों अभी कंटिन्यू टू क्लाइंट एरिया पे क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू टू क्लाइंट एरिया करेंगे आपसे लॉगिन के लिए पूछेगा। दोस्तों अभी हमने जो पासवर्ड बनाया था उस पासवर्ड को यहाँ पे एंटर करना है। और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस आपको मिल जाता है। और अगर आप देखेंगे योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, दोस्तों आप देख सकते हैं फ्री होस्टिंग है, लेकिन अभी स्टेटस इसका पेंडिंग आ रहा है, पेंडिंग है। दोस्तों इसको एक्टिवेट होने में कुछ टाइम लगता है। दोस्तों ये जब तक एक्टिवेट होगी तब तक हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। जब ये एक्टिवेट हो जाएगी उसके बाद हम लॉगिन टू cPanel कर सकते हैं, लॉगिन टू वेबमेल कर सकते हैं। दोस्तों तो हम इसको एक्टिवेट होने में दोस्तों 24 से 48 आवर्स लग जाते हैं। तो जैसे ही एक्टिवेट होगी हमें तो दोस्तों जैसा कि हमने अभी फ्री डोमेन खरीद लिया है और हमारा डोमेन freenom के थ्रू एक्टिवेट भी हो चुका है। तो जैसा कि दोस्तों अभी हमारी होस्टिंग जो है पेंडिंग में शो कर रहा है, तो इसको एक्टिवेट होने में 24 से 48 आवर लग जाते हैं। जैसे ही एक्टिवेट होगी हमें एक कन्फर्मेशन ईमेल हमारी ईमेल आईडी पे आ जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही एक्टिवेट होगी हम अगले पार्ट में आपको दिखाएंगे कि कैसे फाइल अपलोड करेंगे और कैसे हम अपने डोमेन को उस होस्टिंग से कनेक्ट करेंगे। जैसे ही हम अपनी फाइलें अपलोड कर देते हैं और डोमेन को होस्टिंग पर कनेक्ट कर देते हैं हमारी वेबसाइट रन हो जाएगी, यानी कि हमारी वेबसाइट लाइव हो जाएगी। तो दोस्तों चलिए अगली वीडियो में इसके पार्ट 2 हम बनाएंगे जल्दी। जैसे ही हमारी होस्टिंग लाइव हो जाएगी हम इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे आपके लिए, जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे होस्टिंग लाइव होने के बाद cPanel में कैसे लॉगिन करते हैं, cPanel में क्या क्या चीज़ें होती हैं और जो फाइल होती है हमारी वेबसाइट की वो कहाँ पर cPanel में जाके उसको अपलोड करना होता है। तो दोस्तों देखते रहिए अपना टेक गुरु। होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ प्रेस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।